खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले 175 दिनों से लोगों की हर तरह से मदद की जा रही है, उनकी सेवा करने की कोशिश करते आ रहे हैं, वह आज भी बदस्तूर जारी है। जरूरतमंदों और गरीबों को राशन के साथ बर्तन, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का वितरण बांद्रा ईस्ट के इलाके में किया गया। आसिफ भामला स्वयं वहां उपस्थित थे। भामला फाउंडेशन के तहत इस कार्य को संपन्न किया गया। बांद्रा ईस्ट से इस फाउंडेशन के प्रमुख रोहित चावला ने भी आसिफ जी का शुक्रिया किया और 175 दिनों से दी जा रही सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद भी किया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट बांद्रा ईस्ट से। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने रोहित से कहा था इसको बड़े सादगी से करने के लिए, लेकिन चूंकि ये सारे हमारे वॉलंटियर्स रहे पूरे कैंपेन में, तो थोड़ा उत्साह ज़्यादा था, क्योंकि 175 दिन पूरे हुए और अब 200 दिन हम पूरे करने जा रहे हैं। तो और फिर हमें राज्यपाल जी के तरफ से हमें अवार्ड दिया गया पूरे इस संक्रमण में हमारी संस्था के जो तमाम वॉलंटियर्स इको चैंप जिन्होंने काम किया, तो ये बड़े खुशी की माहौल थी। तो इस खुशी के चलते इन्होंने थोड़ा सा इधर एक तुतारी भी बजाई उन्होंने, हालांकि ये वक्त जो है कई लोगों के साथ दुख बांटने का है, तो लेकिन 175 दिन सब साथ में रहे तो आज थोड़ा सा खुशी का वातावरण है। रोहित चावला हमारे फाउंडेशन के एक यहाँ के प्रमुख है इस हलके के पूरे, और ये भामला फाउंडेशन से काफ़ी ज़माने से जुड़े हुए, पर्यावरण के उन्होंने काफ़ी काम किए रोहित ने। तो रोहित ने कहा कि आसिफ जी ये 175वां दिन जो है, आप धारावी में तो आप लोगों ने बहुत काम किया, तो आप यहाँ बांद्रा ईस्ट में करिए। बांद्रा वेस्ट में भी बहुत सारा हुआ है, पालघर में हो गया है, मलाड़ में हो गया है, मड में हो गया है, अन्य इलाकों में हो गया, वर्ली में हुआ है, तो ये मौका हमें मिलना चाहिए 175वें दिन का जो है लोगों को वाटअप करने का। और आज आप लोग देख रहे हो यहाँ लोग आए जो ज़रूरतमंद हैं, उन्हें बर्तन दिए जाएंगे, अनाज दिया जाएगा, उसमें चावल, गेहूँ और वगैरह, दाल वगैरह सारी चीज़ें हैं, साथ में सैनिटाइज़र और मास्क। के हम देख रहे हैं कि इस हलके में थोड़ा सा सैनिटाइजर्स को तो देना ज़रूरी है, साथ में मास्क जो है लोग कम पहन रहे हैं, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक मास्क भी हर एक को दिया जा रहा है। एक छोटा सा वितरण कार्यक्रम है और रोहित बहुत मेहनती लड़का है, पूरी टीम आप देख रहे हैं, मैं तो चाहूँगा सबका नाम लूँ, लेकिन ये सारी टीम इतने पूरे दिल से और पूरी ताकत से इतना अच्छा काम कर रही है यहाँ, और पूरे पैंडेमिक में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, इसीलिए हमें सराहना मिली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी सराहना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आदरणीय राज्यपाल महोदय ने हमें अवार्ड से सम्मानित किया, और अभी हमें दिल्ली बुलाया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि वहाँ भी वो हमारे काम को देखना चाह रहे हैं और एक डॉसियर हम उन्हें सबमिट करेंगे। तो ये खुशी की बात है और 175 दिन पूरे हो गए, इससे बढ़कर और क्या खुशी हो। रोहित जी आपको कैसा लग रहा है आज बामला जी? हमारे रोल मॉडल है, हमारी इंस्पिरेशन है, ये वो लोग हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत कुछ करने की। यूथ को इन्होंने हमेशा इंस्पायर किया है, इन्होंने हमेशा हम जैसे नौजवानों को साथ में जोड़ के एक राह दिखाई है, हम में एक उत्साह इन्होंने लाया है कि हमको पर्यावरण के लिए, और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की हालत ख़राब है, सब बीमारी से जूझ रहे हैं, इस वक्त में इस हार्ड टाइम्स में कैसे बाहर निकल के हमको लोगों की मदद करनी चाहिए और कैसे उन लोगों का साथ बनना चाहिए, ये सारी प्रेरणा हमको आसिफ सर से मिलती है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर अस कि आसिफ सर हमारे यहाँ आए और ये 175th डे इन्होंने यहाँ पर बनाया। इट्स अ बिग टाइम, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू सर। हमारी पूरी टीम सर के बहुत हम शुरुआत से फॉलो करते हैं, आज 22 ईयर्स हो गए भामला फाउंडेशन को, इन्होंने ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ा, एनवायरमेंटल हो या फिर लोगों की मदद करनी हो, ग्रीन गणेशा से लेके बीट प्लास्टिक तक, ऐसा इन्होंने हर चीज़ इन्होंने किया है स्मॉल स्केल टू हाई लेवल तक, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक शेयरिंग अ स्टेज विद आसिफ सर, इट्स लाइक ऑनेस्टली के सब कुछ मिल गया अभी और क्या चाहिए। आसिफ सर, अक्सर आपको देखा गया आप युवाओं को ज़्यादा मौका देते हो, अपफ्रंट होकर काम करने के लिए आप उनको प्रोत्साहन करते हो, तो ऐसा क्या बात है युवाओं में, आप क्या देखते हो? पर्यावरण का जो विषय उसके लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है
युवाओं को, क्योंकि उन्हें इस धरती पे सारा जीवन गुजारना है, और जिस पर से हमें तो हमारे पूर्वजों ने एक धरोहर की शक्ल में इस धरती को दिया है, और हम इसका पूरा आनंद लिए हैं। चाहे वो हर किस्म का मौसम, आज सुंदर बरसात गिर रही है, हर किस्म का आनंद हमें मिला है, लेकिन जो नौजवान है उन्हें ये चिंता है कि क्या ये पर्यावरण उन्हें उतना ही स्वच्छ तरीके से हम आगे दे पाएंगे नहीं। इसलिए नौजवान मुझसे काफ़ी वैसे भी अट्रैक्टेड रहते हैं कि भाई हमें ये काम करना पर्यावरण को, मैं काफ़ी जोश रहता है, और फिर इन्हीं यही भविष्य है देश का, तो आज हम इन्हें ही प्रोत्साहित करेंगे, इन्हीं को साथ लेके चलेंगे, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा संदेश भी जाता है, और इनकी एक टीम रहती है, हमारी खुद की। आज हम कोई भी कैंपेन करते हैं, चाहे मैंग्रोव क्लीन अप हो या बीच क्लीन अप हो, हमसे अनाउंस करते हैं और हम देखते हैं हज़ार लोग आ जाते हैं। हालांकि अभी ये लॉकडाउन के चलते हमारा काफ़ी कुछ नहीं हो पाया, हम नहीं कर पाए काफ़ी एक्टिविटीज, जिसके लिए हमें इस मौसम में भी हमारे जो इको चैम से कहते हैं वाई आर यू नॉट डूइंग, मैंने कहा देर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग का वगैरह विषय है। तो बहरहाल कोरोना में भी ये सारों ने बड़ा मिल के पूरी ताकत से बहुत अच्छा काम किया, मैं सबको बधाई दूंगा। रोहित चावला को मैं दिल से बधाई दूंगा, ये हमारे दिल के बड़े करीब हैं, और इन्होंने इतना दिल से इतनी अच्छी मेहनत से काम किए, भामला फाउंडेशन और हम सब की तरफ से इन्हें दिली बधाई। थैंक यू। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, it has never compromised on its service quality and commitment.